आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर है दिल्ली से। इस वक्त की बड़ी खबर, जल्द दूर होगा राजस्थान का ऑक्सीजन संकट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने बात की, गृहमंत्री अमित शाह से फोन पर बात हुई है ओम बिरला की, ये राहत वाली खबर है। प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बात हुई है, राजस्थान की स्थिति से शाह को अवगत करवाया ओम बिरला ने। ऑक्सीजन की मांग के अनुसार जल्द पूर्ति का किया अनुरोध और अमित शाह ने जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया है, आश्वस्त किया जल्द शुरू होगी राजस्थान में ऑक्सीजन आपूर्ति। कल मुख्यमंत्री गहलोत ने दो बार की थी ओम बिरला से बात और उससे पहले गृह मंत्री से भी बातचीत हुई थी मुख्यमंत्री की फोन पर। उन्होंने आश्वस्त किया था मुख्यमंत्री को, गृह मंत्री ने कहा था कि 24 घंटे के भीतर हम कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन की आपूर्ति हो। अब ये बड़ी खबर है दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर बिरला की भी बातचीत हुई है गृह मंत्री अमित शाह से, और फिर खबर ये है कि प्रदेश में ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर बात। अब स्थिति किसी से छिपी नहीं है, देश की प्रदेश की हर जगह ऑक्सीजन की डिमांड है, ऑक्सीजन की दरकार है। राजस्थान ने भी लगातार केंद्र से दरकारी थी दरखास्त की कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, क्योंकि मरीजों की परेशानी सरकार की परेशानी है और मरीजों को राहत पहुंचाने की कवायद। इसीलिए सरकार की तरफ से खुद सुबह के मुखिया अशोक गहलोत ने कई दफा पीएम से बातचीत की, गृह मंत्री से भी बात की। उसी बीच अभी बड़ी खबर है, दिल्ली में ओम बिरला ने गृह मंत्री से बात की है। अब खबर ये मिल रही है कि आश्वस्त किया है गृह मंत्री ने और जल्द ही कोई अच्छी खबर या फिर राहत वाली खबर निकलकर सामने आ सकती है, क्योंकि परेशानी लगातार बढ़ रही है। और इसी पर दिल्ली न्यूज एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अदिति, लगातार इसी का भी हम इंतजार कर रहे थे कि कहीं से तो कोई राहत की खबर निकलकर सामने आई। अब उम्मीद ये जगी है कि बिरला ने बातचीत की है, जल्द ही हो सकता है कोई सकारात्मक या फिर अच्छी खबर ऑक्सीजन को लेकर सामने आए। पर सारी बातों में बात यही सामने आई है कि कितनी बार पहले तीन मंत्री जाते हैं, वो अमित शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं और अमित शाह आश्वासन देते हैं, उसके बाद फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उनसे बात करते हैं तब एक और आश्वासन मिलता है। और ओम बिरला जो कि आज नहीं, लगातार पिछले 15 दिनों में कई बार केंद्र के मंत्रियों से, अधिकारियों से और खुद अमित शाह से और खुद प्रधानमंत्री मोदी से राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई की बात कर चुके हैं। मैं मानती हूँ कि ये खबर बेहद जो है आराम देने वाली है, खुशी देने वाली है कि हम खुद गृह मंत्री अमित शाह ने जल्द से जल्द ऑक्सीजन सप्लाई की बात कही है। लेकिन मुद्दा ये है कि एक एक घंटा बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर ये खबर पर बताना चाहूंगी कि इस वक्त की बड़ी खबर और सुखद खबर यही है कि राजस्थान के ऑक्सीजन संकट को दूर करने के लिए जो कवायद है उसमें ओम बिरला जो स्पीकर है, जिनसे खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कई बार और खासतौर पर पिछले 2 दिनों में 2 बार बात की है, उन्होंने भी गृह मंत्री अमित शाह से बात की। लोकसभा अध्यक्ष ने राजस्थान की स्थिति को गृह मंत्री से अवगत कराया, ऑक्सीजन की मांग करती हुई जल्द पूर्ति के लिए अनुरोध किया, राजस्थान ने पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जाए। और इसके अलावा लोकसभा अध्यक्ष ने अनुरोध पर अमित शाह ने ये जल्द कार्रवाई का भी भरोसा दिया और उन्होंने कहा कि लगातार बैठकें जारी हैं और जल्द से जल्द राजस्थान में आपूर्ति शुरू हो जाएगी। ये भी आपको बता दूं कि पिछले 15 दिनों में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला राजस्थान में ऑक्सीजन सप्लाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगे हुए हैं और ऑक्सीजन के निर्बाध सप्लाई के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ भी संपर्क बनाया हुआ है। लेकिन मुद्दा वही का वही है, हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार राजस्थान को और हर उस प्रदेश को जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई कम है और जो उनका एक फॉर्मूला है जिसमें प्रेजेंट केसेस जो है एक्टिव केसेस उनके अनुसार 12% लोगों को ऑक्सीजन मिलना चाहिए उसको पूरा किया जाए। राजस्थान में हर घंटे तस्वीर बदल रही है, अगर ऑक्सीजन जल्द से जल्द नहीं मिला तो कल की तस्वीर कुछ और होगी और डरावनी होगी। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर एक घंटा आप कहिए या फिर हर एक मिनट बहुत महत्वपूर्ण है, मरीजों की जान बहुत महत्वपूर्ण है। और अब सिर्फ आज केंद्र की सरकार है, गृह मंत्री से जो उम्मीद मिली है, अब उम्मीद ये भी कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन की आपूर्ति हो और राहत राजस्थान को पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, बातचीत के लिए। छोटे से ब्रेक के लिए आप रुकते हैं, फौरन लौटेंगे।